नमस्कार आदाब, मैं हूं सानिया खान। आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। देश भर में कोरोना का हाहाकार मचा हुआ है। आंकड़े कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में 14 अप्रैल तक जो लॉकडाउन है उसकी सीमा और बढ़ाई जा सकती है, जिसके अनुमान लगाए जा रहे हैं। लॉकडाउन के वजह से कितने लोग परेशान भी हैं, उन्हें भोजन को लेकर काफ़ी परेशानी भी हो रही है। सिर्फ एक दो मामले ही नहीं बल्कि कई तरह तरह के मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच पेशेंट्स के लिए भी मुश्किल खड़ी हो रही है। इस बीच आज एक हार्ट का पेशेंट और उसका पूरा परिवार घंटों तक एम्बुलेंस का इंतजार करते रह गया, पर आखिर में एक टेम्पो वाले ने दिलेरी दिखाया और पेशेंट को टेम्पो में लेकर कालसिकर हॉस्पिटल पहुँचाया। क्या मुमरा शहर में एम्बुलेंस की सुविधाएं नहीं है, और अगर है तो क्यों नहीं पहुंची एम्बुलेंस? सुनिए हार्ट पेशेंट के पूरे परिवार का क्या कहना है। हम लोगों ने अभी जो पेशेंट लेके आए ना, वो हमारे दोस्त के वालिद है और हमारे मोहल्ले के, हमारे कंपाउंड के, हमारी बिल्डिंग के। अब वो मतलब उनकी तबीयत खराब हो गई, तो हम सब मोहल्ले के लोगों ने उनको यहाँ पे लेके आए। एम्बुलेंस वालों को फोन कर रहे 108 पे, 106 पे, 103 पे, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। और जो एम्बुलेंस यहाँ खड़ी है उनको फोन कर रहे तो वो बोल रहे कि अभी हम लोग ना आ रहे, अभी हम लोग आ रहे। तो मतलब बोलने का मतलब ऐसे कि अभी ऐसे प्रॉब्लम में अभी पेशेंट को कैसा लेके आएंगे? तो अभी ऐसे प्रॉब्लम में ऐसे इमरजेंसी पेशेंट के अंदर हम लोग टेम्पो के अंदर लेकर, और यहाँ तक यहाँ का जो मुमरा की पुलिस हमको फुल कॉपरेट कर रही है। मुमरा के कोई ऑफिसर ने, कोई अधिकारी ने हमको रोका नहीं, उल्टा पुलिस कर्मचारी हमको फुल कॉपरेट कर रहे। बाकी एम्बुलेंस जो इमरजेंसी में जो एम्बुलेंस मुहैया कराई गई है, एम्बुलेंस जो मुहैया कराई गई है ना, तो अभी तक एम्बुलेंस का कोई सुविधा नहीं। एम्बुलेंस का फोन करे तो कोई एम्बुलेंस वाला रिस्पॉन्स नहीं देता। ये कोरोना चालू हुआ जब से ये छठा मई छठे साथ है ना, मैं आई नहीं हूँ। सुनो सुनो मेरी बात, एम्बुलेंस वाले लोग इतना ऐसी हरकत करना लगता नहीं कि वो इंसान है और एक हिंदुस्तानी है। बहुत ऐसा रुबाब से स्टाइल से बात करते हैं। आप देख सकते हैं ये मेरी बहन है। क्या मतलब अभी आप पेशेंट लेकर आ रहे थे जो है, मतलब कितनी तकलीफ हुई आपको, एम्बुलेंस क्यों नहीं मिला? आधे घंटे से परेशान थे, एम्बुलेंस नहीं मिला, एम्बुलेंस कोई लेके ही नहीं आ रहा था। कितने टाइम से आप परेशान थे? आधा घंटा डेढ़ दो घंटा। फैसिलिटी तो देवे कि आदमी हॉस्पिटल पहुंचे भाई, और ज्यादा कुछ मत दो, कम से कम एम्बुलेंस ऑन द स्पॉट आवे। तो कौन से टेम्पो से लाए आप? ये टेम्पो वाला येलो टेम्पो। एक नंबर बता। आप लेकर आए? जी हाँ। मतलब कैसे आपकी हिम्मत हुई, मतलब आपको लेके जाना चाहिए था और एम्बुलेंस नहीं मिली, तो क्योंकि अभी पकड़ रहे लोग, तो आपने हिम्मत कैसे जताई? हिम्मत एक नागरिक, देश का नागरिक हूँ, और हमारे साथ में मुन्नी आपा हैं। इन्होंने बोला कि जैसे टेम्पो में डालो, मौला टेम्पो मेरे पास है, तुम खाली कॉपरेट करो साथ में। तो इन्होंने क्या किए, सीटी बजाते हुए, हाथ दिखाते हुए निकालते गए, रास्ता क्लियर करके लटक गए, आधा बैठे हुए आधा लटक के आ रहे हैं, कैसे करके उनको लेके आया गया है समझे। और ये कहानी है, नामदेव सेठ चाल की है, सोना जी नगर, अमानत कॉमरेड। डेढ़ घंटे में एम्बुलेंस नहीं आई, और इधर ये एक एम्बुलेंस मिली रस्ते में, जितने एक एम्बुलेंस रस्ते में मिली हम लोग ने, बाहर रोड पे रोका गया तो बोला पेशेंट लेके जा रहा है, बोला पेशेंट लेने जा रहा है, खाली गाड़ी थी, लेकिन वो चाहता था तो उसमें एम्बुलेंस में डाल के ला गया था, पहुँचा भी सकता था। और एक एम्बुलेंस को फोन किए तो बोले कि हम डॉक्टरों की टीम को लेके जा रहे हैं, डॉक्टरों के स्टाफ को लेके जा रहे। मैं दिन भर घूमती हूँ, मैं मुमरा के नाव नामचीन हूँ, मुझे पता है, और मैं सच बोलती हूँ, मुमरा में कोई सुविधा नहीं है। बस ऐसे एक लावारिस है मुमरा, पूरे महाराष्ट्र में एक मुमरा है लावारिस है, एम्बुलेंस नहीं, पुलिस देखो रास्ते में कोई रोका नहीं, सब जाने को रास्ता दिए, मुमरा की पुलिस कॉपरेट करती है। हाँ, बाकी मुमरा पुलिस को हम लोग ये मुमरा पुलिस के हम खुद शाबाशी बोलते हैं कि मुमरा पुलिस ने खुद हमको कॉपरेट किया। तो आपने सुना मुमरा शहर की ये हालत है कि कई एम्बुलेंस को संपर्क किया और इंतजार करने पर भी एम्बुलेंस नहीं आई, अंत में टेम्पो वाले से मदद मांगनी पड़ी। फिलहाल पेशेंट की हालत अब ठीक है। तो इसी के साथ प्रहार टाइम्स की सभी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।